दूंगा मैं। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं एसएल वर्ल्ड और देश के वन ऑफ द बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क और वन ऑफ द ओल्डेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में आज टेक गुरु पहुंच गया है आपको 2017 के बारे में नहीं शिवानी 2018 के बारे में बताने के लिए। सो 2017 हमारे लिए और खासकर स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी धमाकेदार रहा। कई बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन्स 2017 में लॉन्च हुए और इन फोन्स ने कई सारे ट्रेंड सेट किए, चाहे वो फेस आईडी हो या फिर बड़ा एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन हो, डिस्प्ले हो, या फिर बहुत सारे ट्रेंड्स इस साल सेट हुए। लेकिन हम यही ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर 2018 में किस तरह के फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, ये आज हम इस अम्यूजमेंट पार्क का मजा लेते लेते हुए आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ आपके पॉकेट पर ये फोन्स जो लॉन्च होने वाले 2018 में कितने हल्के होंगे, कितने भारी होंगे, इस पर भी टेक गुरु की खासम खास नजर है जो आज हम आपको बताएंगे शो पे। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम ये आपको सब झूले में झूलते झूलते बताएंगे। एब्सोल्युटली, तो अभी तो हम फिलहाल साथ में खड़े हैं, लेकिन वी आर गोना स्प्लिट और हम बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। एसएल वर्ल्ड का मजा लेंगे, एसएल वर्ल्ड का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मजा लेकर आपको ये बताएंगे कि कौन से फोन आप 2018 में एक्सपेक्ट करने वाले हैं। So, और पेन अपने साथ रखिए और नोट डाउन कीजिए वो तमाम फोन जो हम बता रहे हैं। तो शिवानी, मिलते हैं कुछ ही देर में। फोन अपने साथ रखिए, स्मार्टफोन, बिल्कुल स्मार्टफोन मेरे पास है। सी यू सून। सी यू सून। मस्ती के बीच में हम शुरू करते हैं आज का शो और मैं बात करूंगी सबसे पहले सैमसंग की, जिसके फोन सबसे ज्यादा देश में बिकते हैं। और A8 जो कि मार्च 2018 में लॉन्च हो सकता है, ये इस फोन का काफी, इस ब्रांड का काफी प्राइमरी कैटेगरी का फोन हो सकता है। प्राइसिंग के लिहाज से 45,990 रुपए इस फोन की प्राइसिंग हो सकती है। और ऑब्वियसली अगर प्राइसिंग इतनी अच्छी है, इतनी दमदार है, इतनी कंपेरेटिव है, तो हमारा जो फोकस है, हमारी जो नज़र है, वो इसके फीचर्स पर भी रहेगी। कैमरा के लिहाज से 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा फ्लैश 16MP के साथ और डुअल में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जा रहा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा, डुअल कैमरा हो सकते हैं। कैमरा इस फोन की अहम USP होगी जो कि इस प्राइस कैटेगरी में जितने भी फोन हैं उनको टक्कर देगी। लेकिन इसके अलावा डिस्प्ले के लिहाज से 5.6 इंच की यहाँ पे स्क्रीन देने की बात की जा रही है। ऑक्टा कोर 2.2 GHz का प्रोसेसर भी इस फोन में दिया जा रहा है। तो शुरुआत यहाँ पे सैमसंग की तरफ से काफी दमदार और तगड़ी होती हुई दिखाई दे रही है 2018 की। जो कि मार्च 2018 में लॉन्च होने की बात की जा रही है, कीमत के लिहाज से 45,990 रुपए काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग इस फोन की है A8 की तरह ही। कैमरा क्वालिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इस फोन में और आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा फ्लैश 16MP के साथ और 8 मेगापिक्सल डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। 3500 mAh की बैटरी इस फोन में दी गई है। तो A8 की तरह A8 प्लस भी काफी दमदार टक्कर दे सकता है। अगला फोन जिस पर मेरी नजर होगी वो है सैमसंग का S9 और S9 प्लस। बात करती हूँ कीमत की सबसे पहले, 63,990 रुपए इस फोन की कीमत है और खास बात ये है कि 2018 में ही ये फोन लॉन्च होने वाला है। कैमरे की बात करती हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर रियर कैमरा दिया गया है डुअल 12 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा दिए गए हैं। ए नॉन रिमूवेबल ली ऑन 3200 mAh की बैटरी दी गई है। 7.0 नूगा पर ये फ़ोन चलेगा। अगर देखा जाए तो फीचर पैक फ़ोन ये लग रहा है और कीमत के लिहाज से भी ये काफ़ी दमदार है, काफ़ी कंपेटिटिव है। उम्मीद करते हैं कि ये फ़ोन छा जाएगा 2018 में सैमसंग की तरफ से बाजार पर।
चलिए अब रुक करते हैं शिबानी की ओर, जो आपको बताने वाली है फोन्स उस ब्रांड के जो कि एक तरह का स्टेटस सिंबल है और काफी एस्पिरेशनल ब्रांड भी है। और मेरी बारी आ गई है अब राइट्स पर बैठने की, तो शिबानी ओवर टू यू। अभी वो ब्रांड जिसका सभी को इंतजार रहता है और हर एक मूव इस ब्रांड की लोग ट्रैक करते हैं, आईफोन। अभी आईफोन 10 प्लस या एक्स प्लस, जो भी आप कहे, मैं 10 प्लस कहूंगी क्योंकि टिम कुक ने 10 प्लस 10 कहा था आईफोन 10। तो ये इसका 10 प्लस एडिशन अगस्त 2018 के आसपास लॉन्च होगा। तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन होगी, यानी 6 इंच का डिस्प्ले इसमें दिया जाएगा। कीमत लगभग इसकी करंट आईफोन जो बाजार में लॉन्च हुआ है उसी के आसपास होगा। इसमें भी A11 बायोनिक चिप होगी, जिसकी वजह से आपका फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ही इजी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा होगा ये फ़ोन। बाकी बैटरी ऑलमोस्ट आईफोन 10 की तरह ही होगी और इसकी कीमत जो इंडिया में आईफोन 10 की लॉन्च प्राइस थी उसी के आसपास एक्सपेक्टेड है। यानी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट एंड वर्जन, यानी 256 GB का आईफोन 10 प्लस शायद आपको 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। अभी इसमें 32 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज होगी और इसमें iOS V11 ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। लगभग 85,000 के आसपास इस फोन की कॉस्ट होगी और इसमें 5.8 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1125x2436। और हाँ, एक खास बात, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। अभी आईफोन की तरफ से तीसरा मोस्ट एक्सपेक्टेड फोन है SE2, जो फेब 2018 में जिसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। अभी आईफोन 10 और 8 और 8 प्लस के बाद लगभग सभी कैटेगरीज के बायर्स के लिए, प्राइस ब्रैकेट्स के बायर्स के लिए एक आईफोन मार्केट में मौजूद था और यही बात हम SE2 से भी एक्सपेक्ट करते हैं। मिड रेंज बायर्स के लिए ये फ़ोन टारगेटेड है। लगभग 25,000 से 26,000 के बीच इसकी प्राइस रेंज होगी और 4.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले इसमें लगा होगा, साथ ही 12 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फ़ोन, मैं अगर बात करूँ SE की, तो SE भी परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा था, तो ये फ़ोन से भी हमें यही उम्मीद है। अभी 2017 जो है वो वन प्लस का था। सबसे पहले वन प्लस 5 ने हमारा दिल जीता, उसके बाद वन प्लस 5T लगभग 6 महीने बाद लॉन्च हुआ और इस फोन ने भी हमारा दिल जीत लिया। इन दोनों फोन की सबसे खास बात थी कि 30,000 के आसपास इसकी आस्किंग प्राइस थी, जो शायद ही किसी फ्लैगशिप में आपको नजर आएगी। तो 30,000 के आसपास ये दोनों फोन आपको मिल रहे थे, लेकिन हाँ, वन प्लस 6
जो 2018 में हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी आस्किंग प्राइस 45,000 के आसपास होगी। अभी इस फोन में पिछले दो फोन से अलग खास बात ये होगी कि वाटरप्रूफिंग का फीचर इस फोन में आएगा, यानी IP6E ट्रीटिंग के साथ ये फोन मार्केट में लॉन्च होगा। 23 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 16 और 16 मेगापिक्सल के सेंसर्स के साथ ड्यूल फ्रंट कैमरा बाजार में लॉन्च होगा। साथ ही इसमें 8GB की मैसिव रैम होगी, जो हमने OnePlus 5T और OnePlus 5 इन दोनों फोन्स में जरूर देखी है, और कैमरा भी LED फ्लैश के साथ आपको मिलेगा। अगला फोन है LG G7, कीमत इसकी होगी 59,990 रुपए, और 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में ये फोन के लॉन्च होने की बात है। कुछ डिटेल्स बताती हूँ आपको फोन की। CTA कोर 2.3 GHz, क्वाड कोर प्लस 1.6 GHz क्वाड कोर दिया गया है इस फोन में। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8454 GB रैम के साथ। बैटरी इस फोन में 3600 mAh की क्विक चार्जिंग 4.0 के साथ दी गई है। डिस्प्ले 5.7 इंच का है। कैमरा 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल, डुअल प्राइमरी कैमरास, डुअल LED फ्लैश 13MP फ्रंट कैमरा में दिया गया है। नैनो फिंगरप्रिंट सेंसर, गोरिल्ला ग्लास इस फोन में दिया गया है। तो काफ़ी फीचर पैक्ड फ़ोन है ये, लेकिन इंतज़ार होगा इसकी कीमत का, जो कि 59,990 बताई जा रही है। इंतज़ार है हमें LG के इस फ़ोन का। टेक गुरु पर मिमी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे 2018 में लॉन्च होने वाले कुछ और फोन्स के साथ। करते हैं इस फोन की कीमत तो फिलहाल नहीं बताई गई है, लेकिन 2018 में ही ये फोन लॉन्च होगा। ये फोन एंड्रॉइड ओरियो 8.0 पे चलता है। डिस्प्ले की बात करें 5.5 इंच IPS LCD पैनल के साथ ये फोन लॉन्च होगा। रेजोल्यूशन इस फोन में 1920x1080 का दिया गया है। इसी फोन का एक और वेरिएंट भी लॉन्च होगा 2018 में, जो कि मोटो G6 है। कैमरे के लिहाज से प्राइमरी कैमरा 13+6 मेगापिक्सल का दिया गया है, और डुअल टोन LED फ्लैश दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा की बात करें 8 मेगापिक्सल का ये फोन दिया गया है। इस फोन को ताकत मिलती है क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ, जो कि 1.9 GHz और 4GB रैम के साथ आता है। इंटरनल स्टोरेज 64GB की दी गई है, जो कि एक्सपेंडेबल है 256GB तक, और माइक्रो SD कार्ड के साथ। तो चलिए, इस फोन में बैटरी भी काफ़ी दमदार है। 3500 mAh की बैटरी लियोन यूनिट के साथ दी गई है, और क्विक चार्ज सपोर्ट भी है इस फोन में। डुअल सिम फोन है ये, 4G और VoLTE को भी सपोर्ट करता है। तो मोटो G6 प्लस और मोटो G6 पर होगी हमारी नज़र 2018 में। दो हजार
2017 में नोकिया ने हमारे दिलों में और मार्केट में जगह बना ली नोकिया 8 के साथ। अभी 2018 में भी हमें इंतजार है नोकिया 10 का। ऑलमोस्ट फेब 2018 के आसपास ये फोन लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन 835, 6GB रैम और 6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें दिया जाएगा। अभी नोकिया 8 के डिस्प्ले से भी हम काफ़ी इम्प्रेस थे, तो इसके डिस्प्ले में भी यही बात और यही खूबी हम एक्सपेक्ट करते हैं। 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, प्राइमरी ड्यूल कैमरा होगा, और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा और 4000 mAh की धमाकेदार बैटरी होगी इसमें, वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ। नोकिया 9 की एंड्रॉइड V6.0 मार्शमेलो 5 इंच का डिस्प्ले इस फोन में होगा। 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा, साथ ही 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है इसमें। 32GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे आप 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। इसकी देश में कीमत एक्सपेक्टेड है 14000 रुपए के आसपास और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 में ये फोन लॉन्च होगा। अगला फोन है ब्लैकबेरी मोशन और इस फोन की खासियत है कि ये ऑक्टा कोर 2GHz स्नैपड्रैगन 625 पे चलता है। 4GB रैम इस फोन में आपको दी गई है। डिस्प्ले के लिहाज से 5.5 इंच का डिस्प्ले आपको इस फोन में मिलेगा। क्विक चार्जिंग सपोर्ट है 3.0 का और USB टाइप सी पोर्ट इस फोन में बताया जा रहा है कि आपको मिलेगा। साथ ही कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है डुअल कलर LED फ्लैश के साथ। फिलहाल जो डिटेल्स निकल के आ रही है, काफी पावर पैक्ड और फीचर पैक्ड फोन ये लग रहा है ब्लैकबेरी की तरफ से। तो 2018 में नजर होगी हमारी ब्लैकबेरी मोशन पर। फिलहाल जो कीमतें इसकी बताई जा रही है 29,990 रुपए, तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइसिंग भी है और इस प्राइसिंग में काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग तो है ही, लेकिन फीचर्स के लिहाज से कितनी कई टक्कर दे पाएगा ये फोन, ये भी हमें देखना होगा। अगला फोन है हुआवे हॉनर V10 और इस फोन की कीमत होगी 54,990 रुपए जैन 2018 में। उम्मीद है कि ये फोन लॉन्च हो जाएगा। एंड्रॉइड ओरियो 8.0 पे ये फोन चलता है। EMUI 8.0 डिस्प्ले 5.99 इंच IPS LCD पैनल के साथ दिया गया है। रेजोल्यूशन 2160x2080 का है। कैमरे की बात करें 20+16 मेगापिक्सल और सेकेंडरी कैमरा में 13 मेगापिक्सल आपको कैमरा दिया जाएगा। 64GB DAA स्टोरेज कैपेसिटी और 256GB तक एक्सपेंडेबल है। बैटरी की बात करें 3650 mAh ली आयोन बैटरी भी यहाँ पे दी गई है। डुअल सिम फोन है 4G और वोल्टी कैपेबिलिटीज के साथ। तो हुआवे के V10 फोन पे नजर होगी जो कि नए साल के पहले महीने में ही लॉन्च होने वाला है। आपको ये भी बता चुके कि कौन से फोन्स, कौन से बड़े लॉन्चेस 2018 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें बड़ा मजा आया और हम जरूर वापस आएंगे एसएल वर्ल्ड। तो टेक गुरु के आखिरी एपिसोड में बस इतना ही, बिल्कुल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना मजा हमें इन राइड्स में घूमते हुए आया हो, उतना ही मजा आपको 2018 के फ्लैगशिप फोन्स के बारे में जानकर आया हो। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, आप हमारा ये शो
दोबारा अगर देखना चाहते हैं, तमाम डिटेल्स आपको CNBC आवाज की फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ये शो दोबारा देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब की बार, क्योंकि आपके पास लिस्ट है तमाम स्मार्टफोन्स की, तो आप पैसे बचाएंगे और ये सारे फोन्स या इनमें से आपका फेवरेट फोन खरीदने की कोशिश भी करेंगे। एब्सोल्युटली। सो अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल वी सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे कनेक्टेड एंड wish you a very 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 happy new year.